किसी का फोन कॉल कैसे सुने। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे किसी का फोन कॉल कैसे सुना जा सकता है और वो कौन सा तरीका है, कौन सा ट्रिक है, कौन सा टिप्स है जिससे दोस्तों हम किसी का भी फोन कॉल सुन सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना चाहिए स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि दोस्तों यदि आपने एक बार किसी का फोन कॉल सुन लिया, यानी कि जो मैं तरीका इस वीडियो में बताने वाला हूं, उस वीडियो की मदद से आप जो है किसी का फोन कॉल सुन लेते हैं और फिर उसको बाद में बंद करना हो तो आप कैसे उसको बंद करेंगे, ये सारा कुछ भी आपको जरूर जानना चाहिए। क्योंकि दोस्तों यदि आप जो है फोन कॉल बंद नहीं करते हैं, यानी कि यदि किसी का फोन लेकर आपने जो है उसके फोन में ये सेटिंग कर दी और उसके बाद से जो है आपने वो सेटिंग फिर से जो बंद न की, तो कभी कभी मतलब ज्यादा दिन तक उस समय के लिए तो सही है, लेकिन बाद में जो है लॉन्ग टर्म में जो है नुकसान हो जाएगा। यानी कि कभी ना कभी उसको पता चल जाएगा कि उसका फोन जो है हैक हो चुका है, तो वो जाकर किसी दूसरे जगह से जो है अपना फोन जो है वो सही करा लेगा। तो ऐसे में दोस्तों आपको जरूरी है कि आप जो है कम समय के लिए उसका फोन यूज करें और ये सेटिंग को लगाकर जो है आप जो है उससे अपना उसके फोन का पर जो भी कॉल है वो अपने फोन पर सुन सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो को जानने के लिए, यानी कि आपको स्टेप बाय स्टेप जानना चाहिए, और चलिए मैं बताता हूँ कैसे आप ये कर सकते हैं। तो आपको जो है जो तो आपको क्या करना होगा, उसका यानी कि जिस व्यक्ति का भी आपको फोन कॉल सुनना है, यानी यदि आपका फ्रेंड है, यदि आपकी गर्लफ्रेंड है, या फिर कोई भी एनीवन किसी का भी जो है फोन कॉल आपको सुनना है, उसका फोन आपको एक मिनट के लिए चाहिए। एक मिनट भी ना हो तो भी ऐसे मतलब कम से कम 30 सेकंड के लिए आपको उसका फोन चाहिए ही। उसका फोन लेने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं होगी, यहाँ पर कोई एप्लीकेशन के बारे में नहीं बता रहा हूँ, विदाउट एप्लीकेशन के जो है आप किसी का भी फोन कॉल सुन सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको उसके फोन के डायलर में जाना होगा। यहाँ पर कोई भी डायलर हो सकता है, मतलब किसी का भी फोन, मतलब कोई भी फोन हो तो काम चलेगा। ऐसा नहीं है कोई भी स्पेसिफिक सैमसंग का फोन हो या फिर रेडमी का फोन हो, व्हाट्सअप फोन हो, कोई भी मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं। आज मैं व्हाट्सएप के बारे में नहीं बता रहा हूँ, फाइनली जो है टिप्स बता रहा हूँ। तो किसी का भी फोन कॉल सुनने के लिए सबसे पहले क्या डायलर में जाना होगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या करना होगा, टाइप करना होगा, एक कोड है, सीक्रेट कोड है, इसका यूज करके आप किसी का भी फोन कॉल सुन सकते हैं, ठीक है। तो वो कोड क्या है, यहाँ पर आपको स्टार दबाना है, उसके बाद 6-2 दबाना है, उसके बाद यहाँ पर जो है ये स्टार दबाना है, उसके बाद क्या करना है, हमारा जो नंबर है, यानी मान लीजिए ये हमारे फ्रेंड का जो है फोन है और इसी का जो है फोन नंबर, जो इस पर जो फोन आ रहा है, इसको हमें अपने फोन पर जो है सुनना है, ठीक है। तो इस पे इसका मोबाइल फोन में जाकर जो है ये कोड टाइप करना है, उसके बाद अपने फोन का नंबर या फिर किसी और मतलब फोन पर जो है इस फोन का जो कॉल सुनना चाहते हैं उस फोन का नंबर जो है इस पे टाइप कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए मैंने ये नंबर टाइप कर दिया, ये कोड है, सीक्रेट कोड है, यहाँ पर ये नंबर टाइप कर देना है, उसके बाद हैश दबा देना है, उसके बाद ये दबाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना, सीधे कॉल बटन पे क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर जो है ये स्टार्ट हो गया, यहाँ पर देखिए दोस्तों लिख रहा है कि रजिस्ट्रेशन वाज सक्सेसफुल, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ओके हो गया। अब दोस्तों आप जो है इस मीटर से इस पे जितना भी कॉल आएगा ना, ये हमने जो नंबर डाला है ना उस पे ट्रांसफर हो जाएगा, अब वहां से जो है आप उस फोन कॉल को सुन सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है किसी का भी फोन कॉल है सुन सकते हैं। अब क्या करना है, मान लीजिए आपने एक बार ये सेटिंग कर दी, ठीक है, फिर उसको कहीं पता चल गया, बार बार मतलब बार बार फोन आएगा और फिर उसको पता कहीं कभी ना कभी चल ही जाएगा ना, तो आपको इसको बंद करना चाहिए। तो आप इसको बंद कैसे कर सकते हैं, तो सिंपल सी बात है, बंद करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, एक सीक्रेट कोड है, इसका यूज करके जो है आप ये फोन कॉल सुन रहे थे उसको बंद कर सकते हैं, यानी कि उसकी सेटिंग में जो है जाकर बंद कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको जो है यहाँ पर देखिए हैश जो है प्रेस करना होगा, उसके बाद 6-2 जो है प्रेस करना होगा, उसके बाद एक फिर हैश दबाना होगा, उसके बाद यहाँ पे कॉल बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप करेंगे ना दोस्तों, तो यहाँ देखिए जो है रिजवर्स सक्सेसफुल, यानी कि ये सेटिंग कंप्लीट हो गई। अब दोस्तों आप जो है उसका फोन कॉल नहीं सुन सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिए कि क्या ये ट्रिक्स है आपके फोन में काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। यदि आप ऐसे वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल रामजी टेक्निकल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ जिनको भी इस वीडियो की जरूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।